हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3B। 3B के एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये सब देख चुके थे। एडिटिव आइडेंटिटी देख चुके थे, जीरो इज कॉल एडिटिव आइडेंटिटी, यहां तक देख चुके थे। उससे बेस हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो उस पर बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है प्रॉपर, जहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कहां पर क्या भरना है। अगर फिर भी डाउट छोटा है तो आप एग्जाम्पल से मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लॉ पे बेस्ड है कहां पर क्या होगा, सेम टू सेम नंबर फिल इन द ब्लैंक्स भरना। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको मैं बना के फिर दे दूंगा। मैं देखता हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 से देखना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 का। इसको हम लोग को ऐड करना है, पहले नॉर्मली ऐड करके उसके बाद रिवर्सिंग एडेंस को फिर चेक करना है कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा नहीं है, क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ 2 का 1 देख रहे हैं, तो 16509 प्लस 114 है, यानी 60509 प्लस 114 है, इसको ऐड करना। नॉर्मली हम लोग जैसे ऐड करते हैं वो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 16623 आ जाएगा। अब इसको रिवर्सिंग एडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ स्टार्टिंग में हमारा ये है और बाद में ये एंडिंग में, जैसे ये ए है तो ये बी है हमारा, तो हम जो बी है उसको ए कर देंगे बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंस, यानी ऐड जो कर रहे हैं उसको एडेंस कहते हैं। वी गेट जो हमारा 114 जो बाद में था उसको हम लोग पहले लिख लिया, 16509 पहले था उसको बाद में कर दिया ऐड करना। फिर भी रिजल्ट हम दोनों का ऐड करने के बाद देखते हैं, दोनों का ऊपर और नीचे रिजल्ट दोनों सेम आया, यानी इन दोनों का सम करने के बाद इतना आता है। इसको अगर चेंज कर दे, फर्स्ट वाला को लास्ट में कर दे, लास्ट वाला को पहले कर दे, फिर भी हमारा सेम आता है एडेंस, तो दोनों का आंसर भी सेम आता है। मतलब यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। यानी कि किस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो रहा है दिखा रहा है, ये कम्युनिकेटिव लॉ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ लॉ पूछा नहीं, अगर पूछता तो कम्युनिकेटिव लिख देते हम लोग। इसी तरह से 3 नंबर भी आप आराम से बना लेंगे, 3 में कोई डाउट नहीं होगा आपको, आराम से उसमें ऐड करना है, उसमें लॉ का नाम बता देना, आप नॉर्मली ऐड करेंगे उसमें लॉ का नाम बता देंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें प्रॉब्लम है वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो मेनली प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सुटेबल आपको यूज करना है, आप कैसे बनाएंगे उसमें, तो पेयरिंग करके आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको इजी प्रोसेस यूज करना आपको आराम से। तो यहां देखेंगे 953 प्लस 707 है, तो आप किसी को ग्रुपिंग करके ऐड कर सकते हैं आसानी से, जिसको ऐड करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाए, तो ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। सोल्यूशन आएंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लिया, सबसे पहले 2 का ले लेते हैं हम लोग, किन 2 को आसानी से ऐड करने के बाद फर्स्ट और लास्ट वाला को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ 0 हमारा ज्यादा मिल जाएगा, यानी 2 हमारा 0 मिल जाएगा यहाँ, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर बाद में जो होता है इसको बाद में कर दिए, फिर इसको ऐड कर देंगे आसानी से, 0 में ऐड करने में आसानी होता है, हमारा आसानी से आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा ऑर्डरिंग खोलना है जिससे आप ऐड करने के बाद नंबर ऑफ 0 आपको क्या मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, आसानी से बहुत कम टाइम में ऐड हो जाए। इस तरह सुटेबल आप यूज करके, सुटेबल क्यों, किसके साथ सुटेबल आसानी से ऐड होता है ऐसे यूज करना। सेम इसे 4 का अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप, तो इसी तरह से इसमें 4 नंबर अलग अलग दिया हुआ, 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो आपको किन 2 को पेयरिंग करने में आसानी से ऐड हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करें तो नंबर ऑफ 0 ज्यादा, यानी 2 0 मिल जा रहा है, और सेकेंड और फोर्थ को ऐड करें इसमें भी सब 1000 मिल जाएगा, 1000 को आसानी से इसमें ऐड कर लेंगे तो आसानी से ऐड हो जाता है। सेम 4 का आप 3 देखेंगे, 4, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन का हिंट हमने कर दिया, बनाने का प्रोसेस ऊपर में जैसे बनाया आप, ये आपको जैसे 4 का आपको जो बना है, 4 का 1, 4 का 2 आपने बनाया है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 3, 4, 5 आप सबको बनाएंगे। यहाँ पर आराम से हिंट दिया हुआ, आप आराम से बना सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम आपको, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करके बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आसानी के लिए, डायरेक्ट ऐड नहीं करना, इसको ऐड करते वक्त आपको आसानी से शॉर्टकट यूज करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन को हमने लिख दिया पहले, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ देख 9999 को हम लोग लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, सब ट्रैक होने के बाद होगा। इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, 10,000 में इसको ऐड करने में बहुत आसानी होगा, आराम से ऐड कर लिए तो ये हमारा हो गया 16784 हो गया, माइनस 1 को आसानी से सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ये इसको शॉर्टकट बोला गया है, लेकिन स्टेप ऐसे ही बनाने का मेथड आपको ऐसा ही। सिमिलरली 5 का 2 जो है आप इसी की तरह बना सकते हैं, आप मैंने बता दिया एरो देखिए सेम ऐसे ही, आपको जो यहाँ पर होगा जैसे होगा उसको यहाँ, जैसे 9999 के इसको 10,000 माइनस की, अगर 9 ज़्यादा है आपको तो आसानी से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, आप पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि नहीं, ABC आप 3 अलग अलग हॉल नंबर्स, अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखते हैं आप तो बुक से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ ABC आपको 3 डिफरेंट हॉल नंबर दिया हुआ है, तो क्या ये ट्रू है, ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट 2 में है इक्वल टू ए प्लस सी
प्लस बी है आपको, क्या ये ट्रू है? तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, हमने लिख दिया फॉर एनी हॉल नंबर्स ए बी सी इट इज ट्रू, ये ट्रू होगा, हमने ये स्टेटमेंट को लिख दिया। अब कैसे होगा इसके लिए हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं, लेक मान के कुछ नंबर कंसीडर करते हैं, हॉल नंबर लेते हैं लेक करके, ए का वैल्यू हमने मान लिया टू, बी का वैल्यू मान लिया थ्री, ए का वैल्यू मान लिया टू, बी का थ्री, सी का फोर, आप कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एल एच एस, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट में लिखते हैं। ये हमारा राइट हैंड की तरफ है, जैसे एल एच एस यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड है तो राइट हैंड साइड कहेंगे। तो एल एच एस में हमारा ये वैल्यू है ये, इसमें ए का वैल्यू को हमने रखा टू, बी का वैल्यू को रखा थ्री, सी का वैल्यू को रखा फोर। पहला दो में ब्रैकेट है, पहला दो में ब्रैकेट यूज किया हम लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, फिर टू और थ्री को जोड़ेंगे फाइव आएगा, प्लस फोर है नाइन आएगा हमारा। फिर आर एच एस में आते हैं, आर एच एस का क्वेश्चन को अगर देखते हैं आपको, आर एच एस का क्वेश्चन जो आपका है आर ए प्लस ब्रैकेट सी प्लस बी था, तो हम लोग यहाँ पर आर एच एस में देखेंगे, आर एच एस में हम लोग आर एच एस में लिख दिए हैं ए प्लस ब्रैकेट सी प्लस बी। तो आर एच एस का वैल्यू, ए का वैल्यू हमने लिया टू, बी का वैल्यू जो हमारा सी का वैल्यू हमने लिया फोर, फिर बी का वैल्यू लिया, पहले ब्रैकेट फोर प्लस थ्री में, पहले फोर प्लस थ्री को जोड़ेंगे सेवन हो जाएगा, और टू के साथ जोड़ेंगे नाइन। हमारा यहाँ भी आंसर नाइन आया, मतलब ये दोनों एल एच एस आर एच एस दोनों आपस में हमारा क्या है बराबर है, यानी कि ये और ये हमारा क्या है ट्रू है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब है मेन प्रॉब्लम आपको आ रहा था क्वेश्चन नंबर सेवन में, उसके बाद आ रहा था सेवन नंबर कैसे बनाएंगे, तो आपको आंसर में ऐसे बनाना है, बॉक्स बना लेना है, और ये सॉल्व नहीं करना नीचे जो हमने सॉल्व किया है आपको बताने के लिए। तो ये आपको मैजिकल बॉक्स आप कहेंगे इसको दिया हुआ, आपको क्वेश्चन बुक से देखेंगे तो बनाने का तरीका क्या है, ये आपको एक तरह से देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रॉ, कहते हैं ऐसे, कहते हैं रॉ, रॉ वन, रॉ टू, रॉ थ्री, पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, ऐसे कहते हैं कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, देख लिए, यानी कि ये आपका हो गया रॉ, ऐसे रॉ वन, ऊपर वाला रॉ वन, रॉ टू, रॉ थ्री, ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, और इसको कहते हैं डायगोनल, ऐसे हुआ डायगोनल और ऐसे हुआ डायगोनल। तो आपको इसके ऐड करने के बाद रॉ वाइज सम जो होगा सेम होगा, कॉलम वाइज भी सम सेम होगा, और डायगोनल वाइज भी सम क्या होगा सेम, मतलब कहने का मतलब हम ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े, आंसर सभी में क्या आएगा सेम आएगा, इन इक्वल आएगा, यही है मैजिकल स्क्वायर बॉक्स, आपको है मैजिक स्क्वायर बॉक्स बोल सकते हैं आपको, या बुक में जो नाम दिया हो उसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो बनाने का पहले एक कोई ना कोई आपको नंबर दिया हुआ है कंटिन्यू, जैसे यहाँ डायगोनल में दिया हुआ है टू दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, ठीक है, टू फाइव एट दिया हुआ, इनको सम करते हैं, टू और फाइव सेवन और एट हो गया फिफ्टीन, यानी हमने यहाँ लिख लिया, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करना है, हमारा आ गया फिफ्टीन, तो हमको ऐसे फिफ्टीन आए तो ऐसे भी फिफ्टीन आए, ऐसे भी फिफ्टीन आए, ऐसे भी फिफ्टीन आए, हर तरफ से फिफ्टीन आए सम करने के बाद। तो हम लोग सबसे आसानी के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लेते हैं, यहाँ नाइन फाइव हमारा दिया हुआ, तो नाइन फाइव फोर्टीन हो गया, यहाँ क्या देंगे फिफ्टीन हो जाएगा, तो ये हमारा जो पेंसिल जो है यहाँ पर वन देंगे तो हमारा हो जाएगा फिफ्टीन, तो यहाँ वन भर देंगे डायरेक्टली आप, तो ये हमारा फील हो गया। ब्लैक पेंसिल जो दिख रहा है वो आपको जो ज्यादा डार्क दिख रहा है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन है, और पेंसिल जो दिख रहा है वो हमने फील किया है उसको बनाने के बाद। अब नेक्स्ट हमारा ये फील हो गया, एक हमने पहला फील किया, अब उसके बाद हमारा पहला फील होने के बाद ऊपर में देखते हैं नाइन और टू है, नाइन टू इलेवन हो जाएगा, अगर यहाँ फोर डाल दे तो ऐसे हम जोड़ेंगे तो फिफ्टीन हो गया, अब यहाँ फोर हो गया और यहाँ एट हो गया, यहाँ भी थ्री नहीं है, तो एट और फोर हो गया ट्वेल्व, अगर यहाँ थ्री दे दे तो फिफ्टीन हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो अब हमारा यहाँ फोर यहाँ फाइव है, फोर फाइव नाइन, अगर यहाँ सिक्स दे दे तो यहाँ फिफ्टीन हो जाएगा, यहाँ टू है यहाँ सिक्स है, एट हो गया यहाँ सेवन दे दे फिफ्टीन हो गया, यहाँ सिक्स एट है यहाँ सिक्स है तो फोर्टीन हो गया, या वन दे दे फिफ्टीन हो जाएगा, इस तरह आराम से इसको बना सकते हैं, ये देने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इसका आप ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ तक प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन उसी तरह से हम डायगोनली लेते हैं, सिक्सटीन टेन और फोर, तो सिक्सटीन टेन हो गया ट्वेंटी सिक्स और फोर हो गया थर्टी, डायगोनली थर्टी आया, तो ये थर्टी आया, तो ऊपर में देखते हैं 16 टू 80 हो गया, तो यहाँ क्या देंगे 30 हो जाएगा, 18 में 12 जोड़ते 30 हो जाएगा, तो यहाँ 12 दे देते हैं, अब ऊपर नीचे यहाँ 12 यहाँ 4 है, 12 और 4 हो गया हमारा 16, तो यहाँ अगर 14 दे देते तो ये हो गया 30, इसी तरह इसको हम लोग फिल कर लेंगे डायरेक्टली, आसानी से कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसमें यहाँ पर 3x3 का था, यहाँ 4x4 का है, नीचे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4x4 में देखेंगे डायगोनली हमको नंबर दिया हुआ, इन सबको ऐड करेंगे 2, 12, 7, 17 को ऐड करेंगे, हमारा 38 आता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, मैन्युअल कैलकुलेट करना है, तो हर तरफ से 38 आए, तो ऐसे अगर जोड़ते हैं 38 आए, तो ये 16 और 15 जोड़ेंगे 31 आपका आ जाएगा, 31 में 2 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, और 38 हमको लाना है, यहाँ हमारा कितना आया था 38, तो आपको 16 और 15 31 और 2 हो गया 33, तो अगर 5 जोड़ दे तो 38 हो जाएगा, तो यहाँ 5 जोड़ दिया हमने, और यहाँ इससे
17, 10 यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्या जोड़ेंगे 38 आ जाएगा, तो ऐसे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करके बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐड करके बढ़ाते जाएंगे। आप आंसर देख सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं। यहाँ डायगोनल अगर ऐड करते हैं तो यहाँ 46 आता है, हर तरफ से 46 लाना, तो यहाँ तक आपको बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स है, उसको बुक में कर लेंगे। 7 को आपको बुक में नहीं करना, कॉपी में इस तरह से करना है। 7 से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। 1 में कोई डाउट नहीं होगा, 2 में डाउट नहीं होगा आपको, 2 ऑलरेडी आपको बता दिया गया, 2 का एक बता दिया गया, बाकी सब खुद से आपको ट्राई करना है। 2 का 1 हमने बता दिया, बाकी ट्राई करेंगे। 3 आसानी से है, उसी तरह से ऐड करना है, चेक करना है कम्युनिकेटिव लॉ को होल्ड करता है वो लॉ का नाम लिख देना और 3 हो जाएगा। 4 में हमने एक बता दिया, इसी तरह से 4 का मैंने दूसरा यहाँ बता दिया, 3, 4, 5, 6 का हमने हिंट कर दिया, 5 का हमने 1 का हिंट कर दिया, आप 1 बना के दे दिया, 2 हिंट इसी तरह से बनाएंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूरा आपको बना के यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आपको कॉपी में बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 बुक में कर लेना। आज यहीं तक रखेंगे, थैंक यू।